अरे तुझे नहीं पता वो हमारी दिल्ली वाली फ्रेंड थी, ट्वेल्थ में हमारे साथ थी ना, वो मिल गई थी। किंजल? हाँ किंजल, उसके अभी भी शादी हुई है तो अभी उसकी बात चल रही है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बात करती है, रुक हुआ होगा तुझे। सॉरी पूजा यार, मेरी कैमरा। इट्स ओके, चल अब कुछ ऑर्डर कर दे फिर हम फोटो खींचेंगे जब तक ऑर्डर आएगा। मुझे यहाँ की मेयोनीज सैंडविच बहुत ही पसंद है तो मैं यही ऑर्डर कर रही हूँ मेरे लिए। तेरे लिए क्या करूँ? ओके फाइन, मेरे लिए पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा कौन सा ऑर्डर करेंगे? चीज तन तो ट्राई करते हैं आज। और ड्रिंक में? आई वांट हॉट कॉफ़ी। हॉट कॉफ़ी ठीक है, यहाँ के मिल्क शेक बहुत अच्छा आता है तो मैं अपने लिए तो पिक शेक लूँगा, वैसे भी वो मेरा फेवरेट है। साउंड्स गुड। एक्सक्यूज मी, वन मायोनीज ग्रिल सैंडविच, वन चीज तंदूर पैन पिज्ज़ा, वन किटकैट शेक एंड वन स्पेशल हॉट कॉफी। Wasn't real with your boy, real wasn't real.
with you, boy. You won't give me too much chances. I don't care if I am fancy brighter. Yeah, 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 homeboy. I'm telling you. आपके रेगुलर कस्टमर हैं आप यहाँ पे? या आई विजिट दिस प्लेस एवरी इवनिंग व्हेन एवर आई फील स्ट्रेस्ड, देन टू चिल आउट आई प्रिफर दिस प्लेस बिकॉज द इंटीरियर्स ऑफ दिस प्लेस इज सो गुड एंड द म्यूजिक ओवर हियर आर प्लेड वेरी नाइसली एंड इफ इट ऑल आई एम रिक्वेस्टिंग द स्टाफ देन दे लिसन टू मी विच सॉन्ग आई वुड लाइक टू हियर. सो स्टाफ इज ऑल्सो कोऑपरेटिव एंड दिस प्लेस इज रियली ऑसम. इफ यू वॉन्ट टू चिल आउट विद योर फ्रेंड्स, इफ यू वॉन्ट टू यू नो गेट डी स्ट्रेस, देन दिस प्लेस इज ऑसम, मस्ट विजिट. एंड फूड आपको यहाँ पे कैसा लगता है? माई फेवरेट आइटम ओवर हियर इज मायोनीज गार्लिक ब्रेड. या इट्स वेरी यम्मी एंड आई लव कॉफी कैफे मोका. इट्स वेरी ऑसम. सो इफ इट ऑल यू आर अ कॉफी लवर, इफ यू आर अ कॉफी फैन, यू मस्ट विजिट दिस कैफे. थैंक यू. हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर स्मित मेहता है. आप यहाँ ये प्लेस पे कब से आ रहे हैं, मतलब कितने टाइम से? अप्रोक्सीमेटली मैं 3 साल से यहाँ पे ऑलमोस्ट डेली आ रहा हूँ. मतलब आप ओल्ड कस्टमर है यहाँ के? क्रोनिक कस्टमर सर, यू कैन से. तो मतलब आप 3 साल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको ये प्लेस में ऐसा स्पेशल क्या लग रहा है? आपको कुछ आपको ऐसा बताना है इसे? भावनगर में एक ऐसी जगह है कि यहाँ पर आपको आके इतना अच्छा एम्बियंस, इतना पॉजिटिव वाइब्स है कि आई यू विल नेवर गेट बोर्ड ऑफ दिस प्लेस. क्योंकि रोज एक जगह पे आना और बीइंग कस्टमर, तो आपको भी सोच के लगा ऐसा एक 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 ना एक जगह पे जाके कोई आदमी बोर नहीं हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ पर आप आएंगे ना डेफिनेटली यू गेट रिज्यूवनाइज्ड कमिंग हियर. सो हम ऑपरेशन में काम करके थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, यहाँ पर आके रिलैक्स हो, दैट इज बेस्ट प्लेस. फूड तो सब अच्छा ही है, देर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, बट द प्लेस उसे पॉजिटिव वाइब से ना वो बहुत असर कर जाती है, यू नो, आपको रिलैक्स कर देती है. सो इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी कि यह जगह भावनगर में है और मैं मुझे मिली और मैं यहाँ आ रहा हूँ. आई एम सो हैप्पी फॉर दिस. थैंक यू सर. हेलो सर, आप दोनों का नाम? मेरा नाम वत्सल भट्ट है. मेरा नाम ईशान ओडाली है. ओके, और आपको ये प्लेस पे आप आते हो तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ऐसा लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप यहाँ पे आते हो, मतलब अट्रैक्ट करता है आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ का फूड एज वेल एज यहाँ का जो एम्बियंस है वो बहुत पसंद है, और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे पीस ऑफ माइंड फील होता है, तो मैं काफ़ी बार यहाँ पे आता हूँ. सही रहेगा, वही आंसर रहेगा. साथ ही में आते हैं हम लोग ज़्यादातर, और 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे आने का मेन रीज़न है कि भाई यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा रहता है, और यहाँ का जो इंटीरियर है वो मुझे पसंद आता है कि यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट जैसे किया हुआ है इज़ क्वाइट डिफरेंट देन अदर कैफेज, एज वेल एज मेरा ऑफिस भी यहीं पर है. सो और यहाँ पे रेगुलर पार्टीज में कभी आप बर्थडे पार्टी पे और ऐसे कब आते हो, यहाँ पे ही आते हो? हाँ, 2-3 बार मैंने यहाँ पे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करवाई है, और उस टाइम पे हमने यहाँ पे आया था, उस टाइम सर्विस भी बहुत अच्छी थी. थैंक यू. हेलो मैम. हेलो सर, आपका नाम? दिव्या भट्ट, एडवोकेट दिव्या भट्ट. एडवोकेट इलियास कुरैशी. आप जिस प्रोफेशन से बिलोंग करते हो तो आपको ये प्लेस मतलब कम्फर्टेबल रखती है वर्क के लिए? पीस ऑफ माइंड से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो क्या? As per my opinion and my experience about this, this is the, I think, best place for, you know, for work also and for official meetings and everything. This is the best, and we can peacefully work here for 2-3 hours also. Okay, and this is the best place, food-wise. And अगर आपको यहाँ पे meeting भी attend करना है, किसी client को attend करना है, या फिर 2-3 hours के लिए कुछ काम करना है, this is the best place. I can say, this is all I want to say about this. उसे आप क्या क्या कहना? यहाँ का जो एटमोसफियर है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, बेस्ट एटमोसफियर है, चाहे मीटिंग हुई, अदरवाइज आप बर्थडे पार्टी और किटी पार्टी जो सेलिब्रेट करना हो वो सब अच्छा इधर ही होता है. थैंक यू सर. थैंक यू. हाई YouTube फैमिली, कॉफी डे इज द बेस्ट प्लेस इन द भावनगर. ये हैंग आउट के लिए बहुत ही अच्छा है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो Like, share and subscribe.